नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। एक बार फिर से बिहार के प्रत्येक जिलों के पर्यटन स्थल की जानकारी को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर जिले की। गंडक और बागमती नदियों के किनारे पर स्थित मुजफ्फरपुर बिहार राज्य का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जिला है, जो अपने लीची के बागों के लिए काफी चर्चित है। अगर इस जिले के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो इसके पर्यटन स्थलों की सूची काफी लंबी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं मुजफ्फरपुर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। पहला है गरीबनाथ मंदिर। मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ धाम को बिहार का देवघर कहा जाता है। मनोकामना लिंग के नाम से मशहूर गरीबनाथ मंदिर का इतिहास करीब 300 साल पुराना है। कहा जाता है पुराने समय में जहां गरीबनाथ का मंदिर वर्तमान में जहां अवस्थित है, उस जमीन का मालिक आर्थिक तंगी में जमीन को किसी दूसरे को बेच दिया था। उसी जमीन में एक बरगद का पेड़ भी था, जो अभी भी मौजूद है। जमीन के नए मालिक ने कुछ मजदूरों को बुलाकर उक्त बरगद के पेड़ को कटवाना शुरू किया। बरगद के जड़ में कुल्हाड़ी से प्रहार करने पर लाल लाल पानी बहने लगा। मजदूर लोग डरकर जमीन के मालिक को सूचना दी और कार्य छोड़ दिया। जमीन मालिक के आने के बाद जब खुदाई की गई तो एक शिवलिंग मिला। उसी समय से यहां पूजा अर्चना की जा रही है। और क्योंकि यहां शिवलिंग गरीब मजदूरों ने खोजा था, इसलिए इस मंदिर का नाम गरीबनाथ मंदिर रख दिया गया है। ऐसे तो प्रतिदिन बाबा के मंदिर में सुबह शाम पूजा और श्रृंगार का आयोजन किया जाता है, लेकिन विशेषकर श्रावण मास में पहले जा घाट से गंगा का जल लेकर कांवड़िया गण 55 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा को जलाभिषेक करते हैं। दूसरा है जुब्बा सहनी पार्क। इस पार्क को यह नाम अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी जी के सम्मान में दिया गया है। यह मूल रूप से एक चिल्ड्रन पार्क है, जहां बच्चों के घूमने और खेलने के लिए बहुत सी सुविधाएं मौजूद है। लेकिन हरे भरे पेड़, मखमली घास, झाड़ियों और शांत वातावरण के कारण यह वयस्कों, बच्चों और पर्यटकों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन गया है। यह पार्क मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा क्षेत्र में स्थित है। तीसरा है चतुर्भुज स्थान मंदिर। 12वीं सदी के मध्यकालीन युग के अपने इतिहास के साथ यह मंदिर लगभग 700 साल पुराना एवं इस जिले के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है एवं मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग के साथ परिसर में सूर्य, महावीर, भैरव और गणेश भगवान की प्रतिमाएं भी स्थापित है। यह मंदिर मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थल में काफी प्रसिद्ध है। चौथा है श्री राम मंदिर। यह मंदिर जिले के साहू पोखर के छोटे से गाँव स्थित है। इस विशाल मंदिर में कई देवी देवताओं के मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों में एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान शिव का बड़ा सा शिवलिंग है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग भारत में तीसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है। अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो मुजफ्फरपुर के सारे मंदिरों में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ यहीं पर आती है। पांचवा है लीची बगीचा। मुजफ्फरपुर की लीची देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर की लीची का अघोषित राजधानी भी कहा जाता है। प्रत्येक साल 3 लाख टन लीची पैदा करने की वजह से लीची के बगीचे मुजफ्फरपुर में पर्यटकों के लिए सबसे अधिक पसंदीदा जगहों में से एक है। झपाहा और मुशहरी शहर के 7 किलोमीटर के दायरे में स्थित प्रसिद्ध लीची उद्यान है, जिन्हें देखने के लिए मई से जून के बीच में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। छठा है रामन देवी मंदिर। माँ दुर्गा को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 1941 में माँ दुर्गा के बड़े भक्त एवं स्थानीय व्यापारी श्री बाबू ने करवाया था। यह मंदिर बहुत कम समय में ही जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में शुमार हो गया, जो अब भी बना हुआ है। यह मंदिर अपनी सुंदर कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। सातवां है माता चामुंडा स्थान। जिला मुख्यालय के पूर्वोत्तर में 30 किलोमीटर दूर कटरागढ़ में शक्तिपीठ चामुंडा स्थान अवस्थित है। देवी चामुंडा का स्वरूप पिंड नुमा है, जो स्व अंकुरित बताई जाती है। माना जाता है कि यहीं पर चंड और मुंड का वध हुआ था। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है, क्योंकि माना जाता है कि देवी पूजन के लिए यह दिन शुभ होता है। कहते हैं कि इस ऐतिहासिक स्थल पर चंद्रवंशी राजाओं का साम्राज्य था। 13वीं सदी में चंद्रसेन सिंह नामक राजा यहां राज्य करता था और माता चामुंडा की आराधना कुलदेवी के रूप में करता था। देवी द्वारा चंड और मुंड का वध करने के कारण ही इन्हें चामुंडा कहा जाता है। श्रावण मास में लगने वाला मुजफ्फरपुर का तुर्की मेला जिले के सबसे प्रसिद्ध मेला में से एक है। आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई तो उसके लिए हम
क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है या आप इस जिले के हैं तो आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका जिक्र हम अगले वीडियो में करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के जिलेवार पर्यटन स्थलों को बताने के क्रम में हम दूसरे जिले का अगला वीडियो जल्द ही लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए और बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। धन्यवाद।